सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग ने कक्षा नर्सरी में हिंदी में स्वर सीखा था। स्वर में हम लोग ने क्या क्या सीखा था, चलिए उसको एक बार दोहराते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग ने हिंदी में सीखा था छोटा आ, छोटा आ से अनार, छोटा आ, छोटा आ से अनार, बड़ा आ, बड़ा से आम, बड़ा आ, बड़ा से आम, छोटी ई, छोटी से इमली, छोटी ई, छोटी से इमली, बड़ी ई, बड़ी से ईक, बड़ी ई, बड़ी से ईक, छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू। आज बच्चों हम लोग सीखेंगे बड़ा ऊ। क्या सीखेंगे बच्चों? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। इसका उच्चारण भी आपको करना है स्वर का। अब हम लोग लिखने की अभ्यास करेंगे। चलिए किस तरह से लिखने का अभ्यास करते हैं बड़ा ऊ, चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैंने कॉपी में इस तरह से कॉलम बनाया है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि हम लोग को स्वर का तीन कॉलम बनाना है। तीन कॉलम में हमको वो स्वर लिखना है जिसका कि हम लोगों ने उच्चारण किया है। तो आज हम लोगों ने कौन सा स्वर सीखा है? बड़ा ऊ से ऊन। और ये देखिए, मैंने तीन कॉलम में बड़ा ऊ लिखा। अब हम उसको लिखना भी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक है बिजी बी प्रीसेट हिंदी 1, पेज नंबर 43, 44, 55, 56, पेज नंबर 53, 54, 55 और 56। इसको आपकी बिजी बी प्रीसेट हिंदी बुक में आपको करना है। और इसी तरह से आपको हिंदी की कॉपी में भी तीन कॉलम बना के बड़ा ऊ लिख कर आपको लिखना है। ये लिखने का काम आपके मम्मी पापा कर देंगे इस तरह से पेन से लिखकर, और आप उस पर पेंसिल चलाइएगा। तो चलिए अभ्यास करते हैं बड़ा ऊ। हम लोगों ने छोटा बनाना सीखा ही था। छोटा भी हमारा ऐसे ही बनता है इस तरह से। पहले हम लोग ऊपर लेती हुई लाइन खींचते हैं, फिर इस तरह से छोटा बनाते हैं, और उसके बाद हम पीछे डंडा नहीं लगाते हैं, उसके पीछे हम इस तरह से मात्रा का वो लगा देते हैं। तो ये हमारा बन गया बड़ा ऊ से ऊन। हमें लिखते समय उच्चारण भी करना है बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। इसी तरह से आपको बिजी बी प्रीसेट की बुक में भी लिखना है और हिंदी की कॉपी में भी आपको लिखना है बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। बच्चों, लिखते समय हमें जो भी स्वर हम लिख रहे हैं उसका उच्चारण भी कीजिएगा और लिखने का अभ्यास भी कीजिएगा, ताकि आपको बोलना भी आ जाएगा और लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा। बड़ा ऊ से ऊन।
तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा है बड़ा ऊ। अगले वीडियो में हम नए स्वर के साथ फिर उपस्थित होंगे और नया स्वर सीखेंगे। तब तक प्यारे बच्चों इसका अभ्यास कीजिएगा और इसका उच्चारण करना भी सीखिएगा। धन्यवाद।